गाइस वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। तो आज किस वीडियो में जाने वाले हैं नौका बिहार गोरखपुर, जो कि करीबन हमारे गांव से 90 से 100 किलोमीटर की दूरी पे। तो हमें फाइनली बाइक से जाना पड़ेगा और वहां पे बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है जो कि हमने सुना है। तो आज की इस वीडियो में यहीं वहीं पे हम जाके आपको देखते हैं क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, कैसा है कैसा नहीं है। और हाँ, अभी तक हमको आपने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो करके डायरेक्ट आप मैसेज कर सकते हैं अगर आपको कुछ भी पूछना है। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से देख सकते हैं यहाँ पे गौतम बुद्ध का मूर्ति यहाँ पे लगा हुआ है। यहाँ से हम गेट से पहले अंदर होंगे, उसके बाद नौका विहार स्टार्ट हो जाएगा। तो आइए चलिए देखते हैं आगे। चुके हैं गोरखपुर नौका बिहार, क्योंकि आपको दिखाएंगे नौका बिहार गोरखपुर का कैसा है कैसा नहीं है। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। जो कि आप देख सकते हैं मेन एंट्री गेट, यहाँ से हम पहले एंट्री गेट होगा। यहाँ से आप देख सकते हैं फ्लैग जो कि तिरंगा हमारा यहाँ से उड़ रहा है। फाइनली गाइस भी मैं अंदर एंट्री हो चुका है हम लोगों का, और आपको अभी आगे चल के सीन दिखाएंगे कि कैसा है कैसा नहीं। हम लोग कभी भी पहली बार आ रहे हैं, जो कि हमने पहले कभी नहीं आया है। जो कि आप देख सकते इधर क्या लिखा हुआ है, क्योंकि जो निर्माण हुआ है वो सब यहाँ पर लिखा हुआ है। सकते हैं नौका बिहार का कुछ इस प्रकार का नजारा आ रहा है। फिर हमने जस्ट अंदर एंट्री मारा और यहाँ से आपको दिखा दे रामगढ़ ताल का जो इस प्रकार से कुछ भी और खतरनाक व्यू आ रहा है कि क्या हम बताएं यहाँ से, जो कि आप देख सकते हैं, आप खुद ही देख सकते हैं, और बहुत ही खतरनाक व्यू, ऑसम। फाइनली तो मैं एक्चुअली बहुत ज़्यादा अंदर आ चुका हूँ, लेकिन और आगे चल के हम दिखाएंगे कैसा है कैसा नहीं है। और यहाँ से केएन भाई पीछे अपना ब्लॉग शूट करते हुए, जो कि आप देख सकते हैं, ये कुछ चेक कर रहे हैं, पता नहीं कौन सा एंगल चेक कर रहे हैं, ये अपना ब्लॉग शूट कर रहे हैं। देख सकते हैं जो कि मैं अंदर आ चुका हूँ, यहाँ सब पेड़ वगैरह दिख रहा है। इसके पीछे जो कि ताल है, क्योंकि आप देख सकते हो इसका व्यू कुछ इस प्रकार से आता है चारों तरफ, अगर हम आपको व्यू दिखाएं। और दोस्तों ये है कुछ अंदर का इस प्रकार व्यू आता है, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ से। और ये रहा जो कि नौका बिहार, जो कि अंदर का सीन हम दिखा रहे हैं आपको। और यहाँ से देख सकते हैं ताल जो कि आपको दिख रहा होगा, अभी हम और आपको आगे जाके दिखाएंगे कैसा है कैसा नहीं है। रामगढ़ ताल नौकायन केंद्र जो कि आपका स्वागत है, जो कि यहाँ पे अंदर, अभी हम आपको अंदर जाके सीन दिखा रहे हैं कैसा है कैसा नहीं है। और
और फाइनली अभी हम लोग अंदर आ चुके हैं। किरण भाई कुछ बोलना चाहेंगे आप? आपको आकर भाई मजा आ रहा है यार। हवा कैसा लग रहा है आपको? हवा इतना फीलिंग बहुत हार्ड फीलिंग आ रहा है। अच्छा अच्छा, पूरा हर तरफ दीवार देखो ना, उधर जल्दी। तो यहाँ पे रहने का प्लान है कि नहीं है? रहने का प्लान तो रह जाऊंगा। चलिए ठीक है, अभी हम आपको बैक कैमरे से एनिमेटिक थोड़ा शॉर्ट आपको दिखाएंगे, तब आपको अच्छा दिखेगा। देख सकते हैं सामान क्या है आप पता नहीं, यहाँ देख सकते हैं जो कि खतरनाक इसका लुक आता हुआ। इसमें शावर वगैरह एक्चुअली लगाया रहता है, इसमें पानी फुहारा देता है। एक्चुअली अभी ये नहीं चालू किया गया है पता नहीं क्यों। तो देख सकते हैं मैं पहले ही अंदर आ चुका हूँ, यहाँ से देख सकते हैं जब गोरखपुर लिखा हुआ है जो कि आप देख सकते हैं। अभी हम आपको एनिमेटिक शॉट दिखाएंगे, तब आपको खतरनाक दिखेगा कैसा है कैसा नहीं। तो चलिए आइए दिखाते हैं आगे। अद्भुत नजारा है जो कि आप देख सकते हैं, पीछे गोरखपुर दिख रहा है। और यहाँ पे आने का मतलब एक हवा बहुत ही सुगंधित हवा आता है जो कि आप देख सकते हैं। यहाँ पे सब लोग बहुत लोग आते हैं एंजॉय करने के लिए जो कि आप देख सकते हैं। और ये यहाँ पे आने के बाद बहुत ही मतलब एक खुशी होता है, फीलिंग जो आता है इसको बता नहीं सकते, मतलब बयां सिर्फ कर सकते हैं, कैमरे में बताया नहीं जा सकता है। पीछे वाला गेट दिख रहा था, यहाँ से हमने अंदर का आपको शूट दिखाया। अब हम वहाँ से अंदर से बाहर आ चुके हैं, अब हम दूसरे टाइप चल रहे हैं, आपको दूसरे टाइप का दिखाते हैं। तो चलिए बने रहिएगा। दोस्तों हमने दूसरे वादर का टाइप को आपको दिखाया, अब हम आ चुके हैं दूसरे टाइप। अब आपको अभी दूसरे टाइप से थोड़ा देखते हैं क्या क्या है इधर, क्या क्या नहीं है, तो दिखाते हैं आपको, दिखाते हैं बैक कैमरे से। गाइस हमने नौका विहार का आपको सीन दिखाया और हम लोग को जो पता था हमने उसको बताया, और हमें लोगों को हो सकता है नहीं पता होगा तो छूट गया होगा, वो आप लोग हमें कमेंट करके बता दीजिएगा। और हाँ एक चीज़ बात और है कि अभी तक हमको आपने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो करके वहाँ पर आप डायरेक्ट हमको मैसेज कर सकते हैं, अगर आपको कुछ भी पूछना है हमसे तो पूछ सकते हैं। तो सो गाइस बस वीडियो यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में नए ब्लॉग के साथ। आज के लिए जय हिंद जय भारत।